हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आपको बहुपद का भाग करना सिखाएंगे। देखिए बहुपद का भाग कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। लिखा हुआ है px बराबर x पर पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। भाग देना है हमको x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए हम भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन से भाग देना है हमको एक्स पर पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव। देखिए सबसे पहले इसको ध्यान से देखते हैं कि x पर पावर 2 है और यहाँ हमारा x पर पावर 4 है, तो यहाँ हम किससे दें कि जो कि ये x पर पावर 4 आए। इस पर 2 घात है, यानी इस पर, यानी कि हम अगर मान लीजिए यहाँ x पर पावर 2 दे दें तो क्या x पर पावर 2 और x पर पावर 2 x पर पावर 4 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो देखिए x पर पावर 2 से हम करेंगे तो x पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेंगे। उसके बाद देखिए x पर पावर 2 जो है, यानी कि अब क्या होगा, ये जो संख्या है इससे क्या हो जाएगा, गुना होगा इनसे, यानी x पर पावर 2 से गुना होगा माइनस x में। तो x पर पावर 2 से गुना होगा माइनस x में। तो देखिए, तो इसके लिए मैं एक रफ निकालते हैं। देखिए x पर पावर 2 है और माइनस x से गुना करेंगे, x पर पावर 2 गुने माइनस एक्स बराबर देखिए क्या आता है, एक्स पर पावर 2 और माइनस एक्स करेंगे तो माइनस का ये रह जाएगा माइनस एक्स पर पावर 3, ये आएगा मेरा माइनस एक्स पर पावर 3। तो चलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा, एक्स पर पावर 2 गुने करेंगे माइनस एक्स से तो माइनस, यानी कि एक्स पर पावर कितना आ जाएगा, 3 लिख दिए। अब फिर देखिए एक्स पर पावर 2 है और प्लस 1 है तो एक्स पर पावर 2 ही रहेगा, यानी कि प्लस एक्स पर पावर 2 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस रहेगा ना, तो इसके नीचे माइनस दे देना, यहाँ माइनस है तो इसके नीचे प्लस हो जाता है, और यहाँ कुछ नहीं है प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखिए ये दोनों एक्स पर पावर 4 एक्स पर पावर 4 ये तो कट जाएगा, इसको काट दीजिए। ठीक, इसको काट दिए। अब देखिए कि एक्स पर पावर, इसको घटाने का जब पारी आता है तो एक्स पर पावर 3 है और यहाँ देखिए 3 एक्स पर पावर 2 है, तो इसमें घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या होगा, इसको एक बार और उतारना होगा। तो एक्स ये देखिए माइनस 3 है जो ना, माइनस एक्स पर पावर 3 है तो ये माइनस का पावर अब खत्म हो गया, तो यहाँ प्लस का चार्ज लेगा तो ये माइनस हट जाएगा, तो यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो यानी कि इसका पावर खत्म हो गया तो ये एक्स पर पावर 3 लिखाएगा यहाँ, तो x पर पावर 3 हो गया। ठीक, अब देखिए x पर पावर 3 और ये माइनस जो है इसका भी पावर खत्म हो गया बीच वाले को, तो इसका पावर हो गया माइनस का, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस और माइनस जानते हैं आप क्या प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर हुआ कि नहीं, तो लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा का नहीं होता है, तो माइनस 4x स्क्वायर और ये उसको उतार दीजिए प्लस 4x और प्लस 5, इसको उतार दिए। ध्यान से देखिएगा किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए कि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस हो गया, चिन्ह का हम निर्माण कर लिए। अब देखना है करना क्या है कि x पर पावर यहाँ मेरा कितना आ रहा है, 3, और यहाँ हमारे पास कितना है x पर पावर 2, तो यहाँ पर कितना लिखना होगा, x पर पावर 2 है तो x पर पावर यहाँ 3 है, तो यहाँ अगर मान लीजिए x लिख देंगे तो x पर पावर 1 रहता है क्या, नहीं, तो x पर पावर 1 और x पर पावर यानी कि 2, तो ये दोनों मिलकर के x पर पावर 3 हो जाएगा ना, यानी कि आप लोग भी जानते होंगे कि गुना में पावर जुटता है, तो x पर पावर कितना हो गया, 3, यानी x पर पावर 3 हो गया। अब देखिए इसका हो गया काम, अब क्या करेंगे, अब बारी बारी से इन सब में गुना करते जाएंगे, x गुना माइनस x, तो x गुना माइनस x तो आपको पता है क्या कि माइनस x गुना माइनस x तो माइनस x स्क्वायर होगा, माइनस x स्क्वायर हो गया, और
एक्स गुना प्लस वन करेंगे तो प्लस एक्स होगा। अब देखिए ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए ये दोनों एक जात का है, यानी एक्स पर पावर दो है, इस पर भी पावर दो है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये इसका पावर, इसका जो चिन्ह जो है ये खत्म हो जाएगा, तो ये माइनस का चिन्ह खत्म होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यानी माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो चार एक्स स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, तीन एक्स स्क्वायर, तीन एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए चिन्ह किसका बड़ा है, इसका या इसका, इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका। ठीक, अब इसमें देखिए कि इसका चिन्ह जब खत्म होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस और प्लस, माइनस और प्लस माइनस, तो लेकिन चिन्ह किसका है बड़ा, प्लस चार का बड़ा है, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस तीन एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये प्लस पांच है, इसको लिख दीजिए, लिख दिए। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको किस तरह से हम करते हैं, यानी कि यहां देखिए माइनस है और यहां प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां क्या लिखा जाएगा, माइनस। ठीक, अब देखिए कि माइनस तीन एक्स स्क्वायर है और यहां एक्स स्क्वायर है, अब कौन सा संख्या लिखे जो कि इसको पूरा पूरा आ जाए, तो माइनस तीन लिख देने पर देखिए तीन गुने करेंगे एक्स स्क्वायर, तो तीन एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, देखिए सबसे पहले माइनस तीन से गुना कर रहे हैं, यहां दिखा देते हैं कि माइनस तीन से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में तो क्या आएगा, माइनस तीन एक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, तो इस तरह से यहां हो जाएगा गुना, तो माइनस तीन से गुना किए एक्स स्क्वायर में तो कितना आ गया, माइनस तीन एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस तीन को माइनस एक्स से गुना कीजिए, यहां दिखाते हैं माइनस तीन को गुना कीजिए माइनस एक्स से, आपको पता आएगा कि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, तो उसी तरह से माइनस तीन गुने एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस तीन गुने एक्स तो तीन एक्स हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा, प्लस का, तो थ्री एक्स हो गया। अब देखिए कि माइनस तीन को गुना कीजिए वन से, तो माइनस तीन और गुना प्लस वन में है, तो प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस तीन एकम यानी कि तीन एकम तीन हो जाएगा, तो इस तरह से इसको लिख दिए। अब माइनस है तो प्लस लिखाएगा, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये कट गया, अब ये भी कट रहा है, इसका वैल्यू खत्म, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी कट रहा है, इसका वैल्यू खत्म, तो प्लस और प्लस कितना हो गया, पांच तीन आठ। अब ये आपका क्या हो गया, यानी कि ये आपका शेषफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। ठीक, और ये आपका भागफल हो गया, ये आपका भागफल हो गया, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कि भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री, और शेषफल, शेषफल बराबर आया कितना मेरा, आठ। इस प्रकार से इसको बनाते हैं, ये क्लास टेंथ का है। ठीक, तो इस प्रकार से हम यानी बहुपद का भाग बनाते हैं। उम्मीद है कि यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद हुआ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।